रुकना, पढ़ाई लिखाई नहीं, उस मोबाइल चलाओ, पढ़ाई लिखाई नहीं करना होगा। 20 रुपए नहीं 30 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि भैया बता रहे हैं बढ़ गए। कवर भी दे दे, कवर क्या करेगी, कहाँ लगेगा, इसमें तो लगेगा भी नहीं। अब हमारा नंबर आ गया, हम पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सैमसंग वाले का प्राइस आ चुका है दोस्तों। यहाँ मोबाइल लेने आई, अब ये जिद कर रही है इनको, क्या चाहिए, स्मार्ट वॉच भी चाहिए बोल रही है। हेलो दोस्तों, आज हमारे लिए थोड़ा सा हैप्पी दिन है, क्योंकि आप लोग को अगर याद हो तो पिछले साल सितंबर में, आज है 2 अक्टूबर, और पिछले साल सितंबर 25 सितंबर को हमारा आईफोन बिक गया था। तो बहुत लोगों ने वीडियो देखी होगी, बहुत लोगों ने नहीं देखी हो तो वीडियो का शॉर्ट वीडियो था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लेना। सो गाइस, आज का दिन बहुत सैड दिन है, क्योंकि जिस आईफोन से हम लोग वीडियो बनाते थे, आज मेरे पापा उस आईफोन को बेचने जा रहे हैं। पहले हमारे पास कई साल पहले, मतलब 2019 में हमारे पास आईफोन 11 प्रो था, फिर उसको बेच के हमने लिया था आईफोन 13 लिया था। लेकिन मेरे कैंसर के सर्जरी के बाद फिर थोड़ा सा टाइम ख़राब आ गया था, तो हम लोगों ने वो आईफोन बेच दिया था, और शादी में वीडियो बनाई थी, और जब हम आईफोन बेचने गए थे स्टोर में, तो वो स्टोर में ये कोरोना भी आ गया था, वो वीडियो में दिख रहा है अब, तो बहुत लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो पूरे पूरे एक हफ्ता हो गया पूरा आईफोन बिक के हमारा। तो फाइनली आज हम फिर से आईफोन 15 लेने जा रहे हैं, प्रो या प्रो मैक्स नहीं लेंगे, हम आईफोन 15 लेंगे। और हमारे पास देखो, आप लोग पूछो ना कौन सा मोबाइल है, ये सैमसंग का मोबाइल है, इसको बेचेंगे, देखते हैं इसका कितना मिलता है, इसको बेच के फिर आईफोन लेंगे हम। शादी में यूट्यूब चैनल का फर्स्ट पेमेंट आया था, तो हमने वॉशिंग मशीन ली थी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो अब कई महीने हो गए, तो अब आईफोन 15 आया, तो मेरा दिल करा कि चलो आईफोन 15 भी ले लें, क्योंकि शादी में जैसे 15 बिका था तो बहुत सैड बना वो, तो बच्चे लोग को हम लोग बताया नहीं है, हम लोग घर के बाहर आके वीडियो शूट कर रहे हैं, और शिक्षा जाएंगे लेके आएंगे, और उन लोग को खास करके शादी वाले को सरप्राइज देंगे, इसीलिए हम लोग उनको बताया भी नहीं और लेके भी नहीं जा रहे हैं। ये सैमसंग मोबाइल बेचेंगे और फिर नया आईफोन लेंगे 15, देखते हैं कितने का आता है, कितना पड़ता है। तो ये फ़ोन जो हम ले जा रहे हैं सिर्फ आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से, क्योंकि इंसान का अच्छा वक्त बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त हमने भेज दिया, और थोड़ा सा अच्छा वक्त आप लोग के आ रहा है, तो हाँ पूरा पैसा भी हमें पे नहीं करना पड़ेगा, इसको बेच के देखते हैं इसका कितना पैसा मिलता है, तो बाकी का जोड़ेगा एक्स्ट्रा हम पे करेंगे और आईफोन लाएंगे। और हमने जिस स्टोर में वो आईफोन 13 बेचा था, उसी स्टोर में जाएंगे, वहीं से नया आईफोन लेंगे फिर हम। तो चलो चलते हैं शॉप पे। एक बात बता दूँ, आईफोन ले जा रहे थे वो काफ़ी सजा के जा रहे हैं, लिपस्टिक कुछ लगा के आप देख सकते हो, हाँ जब बेचने गए थे रो रहे थे, आज हाथ चले पेट्रोल डाल गया हमारा। अब ये देखो बात चलाएंगे ये एकदम स्लो स्लो चलाने का, स्लो स्लो चलाते हैं नहीं है। शादी में मुझे उस दिन बता रहा था मम्मी, एक गाड़ी इधर से ऐसे जा रही थी, एक गाड़ी उधर से ऐसे जा रही थी, पापा ने ऐसे बीच से ऐसे निकाला, ऐसे करते हैं काम। शादी पागल है बोलते दोस्तों, देख लिए आपके शादी को पागल बोल रहे हैं, शादी में शादी मम्मी दोनों पागल है, शादी में शादी की मम्मी पागल है बोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम सिग्नल पर रुके हुए हैं, हाँ अभी आ गए अंधेरी, अंधेरी आ गए हैं, अभी हम और आगे जाना है। मुंबई में जो रहते हैं वो अंधेरी जानते हैं कहाँ पर है, मुंबई के बाहर जो रहते हैं उन्हें हम बता रहे हैं, मुंबई अपने घर से काफ़ी दूर अंधेरी आ चुके हैं, और अभी सिग्नल पर रुके हुए हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ गाड़ी खड़ी करने का 20 रुपए, भैया वहाँ बैठे हैं कोने में, उनको 20 रुपया देने का, फिर जाने का, बाकी का चार्ज देना ही पड़ेगा ना, अगर गाड़ी पार्क करना है तो देना ही पड़ेगा ना। मुंबई में जगह, मुंबई में कहाँ जगह रहती गाड़ी खड़ी करने की, 20 रुपए नहीं 30 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि भैया बता रहे हैं बढ़ गए हैं। फाइनली हम शॉप में आ गए हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ दिख रही है, लगता है देखो मिलता है कि नहीं फोन। अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ आए 256 GB के लिए, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो भाई बात कर रहे, देखते हैं अगर मिल गया तो ठीक है। दो
दोस्तों हम आ गए बाहर, हमें आईफोन नहीं मिला क्योंकि हमको चाहिए था आईफोन 15 256 GB का और इनके पास अभी अवेलेबल है 128 GB का। तो 128 GB का लेंगे तो उसमें क्या है, वीडियो तो हमको वीडियो के लिए में हम लेते ही है, स्पेस कम पड़ेगा, मेमोरी फुल हो जाएगी, तो हमको आईफोन 15 256 GB लेना है। तो अभी अवेलेबल है नहीं, और आईफोन प्रो भी है तो भाई 1,45,000 का है, 15 प्लस है लेकिन वो 10,000 महंगा, तो प्लस भी लेना नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा मोबाइल होता है, हमको छोटा मोबाइल पसंद है। तो हमको ऑर्डर करना पड़ा, हमने बुकिंग कर दिया, मतलब अब 2-4 दिन में हमको बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे तो मिलेगा, अभी स्टॉक में है नहीं माल, ऑर्डर ले लिया है, अब आएगा तो मिलेगा, तो बच्चों को आज हम सरप्राइज नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं, अब जिस दिन आएगा फ़ोन आएगा तो हम आएँगे दोबारा ले लें 2-4 दिन में, ये वीडियो भी मोबाइल मिलने के बाद पोस्ट करेंगे, बच्चों को उसी सरप्राइज देंगे, आज हम बच्चों को कुछ बताएंगे नहीं हम कहाँ गए थे। दोस्तों हम 2 तारीख को गए थे मोबाइल के लिए, मोबाइल मिला नहीं आपको पता है, और आज है 4 तारीख, और वो जो सैमसंग का मोबाइल हमें बेचना है वो वहाँ 40,000 का बिक रहा था, मतलब 40,000 बोले उसका मिलेगा। तो मैंने अभी कैशिफाई भी ट्राई किया, तो कैशिफाई एक ऐप है, आपको बताओ कैशिफाई पे बहुत लोग मोबाइल बेचते हैं, ऑनलाइन बुक कर दो तो फिर घर पे आते हैं मोबाइल लेकर जाते हैं कैशिफाई वाले, उसमें मैंने अभी चेक किया तो मेरे मोबाइल का वैल्यू 43,500 रुपया मिल रहा है, तो मैंने अभी ऑनलाइन बुक कर दिया है, तो वहाँ से 3,000-3,500 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो कैशिफाई बेच देते हैं, खरीदने का तो कहीं से भी खरीद लेंगे। तो आज मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया 4 तारीख को, उसमें डेट बता रहा है 6 तारीख, अब देखो कब आते हैं, 6 को आते हैं, आप एक दिन पहले आते बता रहे, तो कैशिफाई पे बेचूंगा, और उसमें 43,500 तो बता रहा है, लेकिन आने के बाद कभी कभी लोग चेक करके ना कम भी बताते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और थोड़ा वारंटी में भी है और उसका बिल भी है और ओरिजिनल बॉक्स भी है, इसके लिए उसका प्राइस अच्छा मिल रहा है, मतलब अच्छा मतलब फिर भी काफ़ी कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मिल रहा है। तो और आप लोग भी कोई मोबाइल लो ना तो उसका बिल बॉक्स सब कुछ रखे रहा करो हमेशा, मैं तो मेरे पास तो लास्ट तक रखा ही रहता है, तो रख जाके कभी आपको भेज लो तो उसका वैल्यू मतलब उसका प्राइस अच्छा मिल जाता है। तो अब आज मैंने बुक कर दिया, देखते हैं कब आते हैं, और मोबाइल बिकने के बाद फिर हम आईफोन ले ले जाएंगे, फिर हम कहीं से भी ले लेंगे, देखेंगे यहाँ मिल जाएगा अवेलेबल रहेगा, वहाँ से नंबर देख के आए हैं, वहाँ से कॉल आएगा तो वहाँ चल के ले लेंगे। दोस्तों आज 6 तारीख और कैशिफाई में मैंने सेलिंग का ऑर्डर किया था अपने सैमसंग वाले का, तो आज सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आने का टाइम था, सुबह से वेट करते 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 शाम हो गई, अभी मैंने ऐप ओपन करके देखा तो उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, मतलब मोबाइल खरीदने कैंसिल कर दिया, तो मोबाइल गिर के गए हैं। तो अभी मैंने एक स्टोर का पता लगाया है, उनके पास 256 GB का मोबाइल अवेलेबल है, और चलते वहाँ पे अपना सैमसंग वाला मोबाइल वहीं सेल करेंगे और नया आईफोन लेंगे, और बच्चे लोग घर में हैं, फिर हम लोग शिक्षा जा रहे हैं, बहाना बना के कुछ भी बच्चों को आज भी हमने बताया नहीं है, तो कैशिफाई वाला ऐसा करता मुझे पता नहीं था, कैशिफाई सब खरीदता है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ मॉल, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए, गोरे गांव का है ये, है ओबेरॉय मॉल, ये गाड़ी चेक करने जा रहे हैं। अब हमारा नंबर आ गया, हम पे करेंगे, यहाँ कार खड़ी हुई है, सब पार्किंग है, ये बाइक खड़ी करने के लिए इतना लंबा आना पड़ रहा है, ये बोल रहे हैं पार्किंग में मुझे घर दे दे, गाड़ी पार्क करने में लोग आधा घंटा लग गया दोस्तों, और चलते हैं मॉल के अंदर। दोस्तों लोग फाइनली मॉल में आ गए, और आते ही हमको शॉप दिख गई, ये वाली शॉप है यूनिकॉर्न में, हमको यूनिकॉर्न में जाना है, चलो चलते हैं अंदर, यूनिकॉर्न का शॉप है, यहाँ से परचेज करेंगे, ये देखो आईफोन 15 यहाँ लगा हुआ है, तो देखते हैं उसका क्या रेट बताते भाई, अभी हमारे मोबाइल की चेकिंग हो रही है, अभी चेक करके बताएंगे उसका प्राइस। हमारी मैडम बैठ गई है कुर्सी पे मस्त, क्योंकि चेकिंग चालू काफ़ी टाइम लगने वाला है। सैमसंग वाले का प्राइस आ चुका है, वो प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ मोबाइल लेने आई, अब ये जिद कर रही है यहाँ इनको क्या चाहिए, स्मार्ट वॉच भी चाहिए बोल रही है, यहाँ बोल रही है अब तक वॉच नहीं दिलाओगे घर जाऊँगी नहीं, देखो वॉच यहाँ रखी हुई है, ये एप्पल वॉच, तो आप बताओ मैं कैसे क्या करें, फिर घर चले नहीं चले, ये देखो वॉच चाहिए, आईफोन लेने खुशी में इनके सारे येल्लो दांत देखो बाहर आ गए, देखो आज दांत नहीं दिखाएंगे, कमेंट भी करने बंद कर दो। हमारा नया आईफोन जो है, हमारी रुपया बेगम ओपन करेंगे, चलो स्टार्ट करो, इधर से इनको बताओ जरा किधर से करना है, हाँ भाई अगली चीज़ है, हाँ और उस साइड का
तो ये निकला हमारा येलो कलर का आईफोन, इसको भी एक मिनट। हाँ चलो दिखाओ, वाइट येलो सेम येलो क्या है, वाइट ही हो। कवर भी दे दे, कवर क्या करेगी, कहाँ लगेगा वो, इसमें तो लगेगा भी नहीं भैया, कवर भी ले लो। चलो फिर हमारा हो गया फाइनली, हम चलते हैं घर। तो आपको कैसा लगा आईफोन लेके, अनबॉक्सिंग बच्चे लोग से करवाना चाहिए, खुद ही अनबॉक्सिंग कर दी गलत बात है ना, घर चलेंगे फिर से अनबॉक्सिंग करवाएंगे, ठीक है। हाँ थैंक यू, आपके आए हमको बहुत अच्छा लगा। सर आप एक फोटो लेंगे इसमें? तो पार्किंग में दोस्तों खड़े हैं और सीधा जाएंगे घर, और सीधा आपको सीधा हम दिखेंगे कहाँ घर पे, क्योंकि और लंबा ब्लॉग हो रहा है, और चलेंगे बच्चे को सरप्राइज देंगे। सबसे बड़ी चीज वही है कि बच्चे हमारे खुश हो जाएं। ये है ओबेरॉय मॉल, इसके अंदर हम लोग गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं घर। दोस्तों हम लोग घर के बाहर आ गए हैं और बेल बजाते हैं, बच्चे लोग को सरप्राइज देते हैं, है ना। ये हमारे मोबाइल लोग हाथ में है, तो ऐसा दरवाजे पर सरप्राइज दें कि ऐसा अंदर चल के पैसा दें, बस इसे छुपा लेता हूँ, इसको सिर्फ भी छुपा लेता हूँ। अरे यार रुक जा, रुक रुक रुक। अस्सलाम सलाम, क्या हो रहा है? मोबाइल चलाओ खाली तुम, चलो अंदर बैठो, चलो तुम लोग ना पढ़ाई लिखाई नहीं, उस मोबाइल चलाओ, पढ़ाई लिखाई नहीं करना होगा। लाइट चालू करो वाला, अंधेरा है तो कहो लाइट चालू करे वाली। हाँ तुम लोग के लिए हम लोग कुछ खाने के लिए लाए हैं, आँख बंद करो, एक बार अच्छे अच्छी खाने के लिए लाया हूँ, फिर यहाँ बैठो बीच में, यहाँ यहाँ बैठो तुम जन। तुमको क्या पसंद है खाने में बताओ, तुमको क्या पसंद है? दाल रोटी। चलो अपने अपने हाथ से आँख बंद करो, नहीं नहीं एक एक हाथ से यार, यहाँ से तुम एक हाथ से बंद करो और एक एक हाथ लाओ, एक एक हाथ तुम भी लाओ, हाँ खोलना नहीं देखना भी नहीं, खोल निकाल अभी ऐसे नहीं निकाल दे, अरे को अच्छी ला खाने का फेवरेट आइटम लाए तुम लोग, अभी बंद करके रख। अरे बंद है। 3 2 1 गो, ये खाने की चीज आ गई, ये खाने की चीज नहीं है पापा, सारे में आईफोन ही है। आईफोन ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ए देखो नकली आईफोन ले गया डब्बा नकली है ना, वे देख यूनिकॉर्न से लेके आया हूँ, जूते करारी मेरी बोलती है नकली आईफोन है, नकली है वो। सुन लो को सरप्राइज, मेरा भैया 1 साल पहले बेचे थे, मेरा शादी में बहुत सैड हो गया था याद है, तो तुम लोग के लिए लाया हूँ मैं आईफोन। रुको रुको ऐसे बच्चे लोग ओपन करेंगे ये मोबाइल, अनबॉक्सिंग करोगे तुम लोग? हाँ चलो ये भी बैठे के, हाँ मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा, समझ लो मैं भी तुम्हारे साथ को हाथ लगा दूँगा, ठीक है। नहीं 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 मैं भी तुम्हारे हाथ साथ में हूँ, अरे तुम लोग करो बस मेरे लिए बहुत है यार। चलो अनबॉक्सिंग ऐसे नीचे रखो आराम से, ये टेबल लाओ क्या टेबल, ऐसे करो चलो। 3 2 1 येलो कलर, देखो इसके ऊपर बॉक्स में येलो है तो येलो दिखाओ, ये इसको ऐसे रख के जो ऐसे खोलो, चलो चलो ये बड़ा अच्छा लगता है, चलो मैं पकड़ लूं, तुम लोग निकालो दोनों लोग, ये तो इसमें देखो ये एक फोन मिलता है और ये वायर मिलता है, बस और कुछ मिलता नहीं इसमें। एक बार दिखा दो जरा अच्छे से, ये और वाइट साइड दिखा दो येलो साइड। तो दोस्तों हमको येलो पसंद आया तो हमने येलो लिया, इसमें ब्लू पिंक सब कलर था, ये येलो तो है लेकिन बस वाइट ही समझ लो, वाइट जैसे दिखता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ यहाँ येल्लो है। तो आपको येल्लो कलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हल्का लग रहा है, हाँ तो हल्का जो है छोटे उसको भी दो, उसको भी दो यार हाथ में। कैसा लगा आपको आईफोन? नहीं आईफोन अच्छा लगा होगा, नहीं आईफोन मिल के आपको, मतलब आईफोन मिला घर में आया तो कैसा लगा आपको? अरे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो सरप्राइज ही मिल गया है ना, वीडियो बनाई थी जब बेचने गए थे, वीडियो बनाई थी याद है, रोए थे तुम रोए थे, मम्मी रोई थी, मारे भी
तो पूरे एक साल बाद हमने 25 सितंबर को मोबाइल बेचा था आईफोन 13 और ये समझ लो आज कितनी 6 अक्टूबर है, तो एक साल 10 दिन के बाद हमने आईफोन लिया है। और ये किसके सपोर्ट की वजह से है? ये आप लोगों के सपोर्ट, सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर की वजह से है। तो आप लोगों को ये समझ लो कि आप लोगों ने हमें गिफ्ट किया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आईफोन पापा हमारे लिए लेकर आए हैं, तो उन्हें भी आईफोन लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे मुझे क्या थैंक यू यार, सब्सक्राइबर को थैंक यू खाली। दोस्तों हमने वहाँ मोबाइल ले लिया, लेकिन हमने ऑन नहीं किया, तो अभी ऑन कौन करेगा? दोनों लोग ऑन करो, चलो हैप्पी बर्थडे कर रही है। आईफोन हैप्पी बर्थडे, अभी देखना लिख के आएगा। ये देखो अभी लिख के आएगा, सादिम खान वाले खान लिख के आएगा अभी। हेलो लिख के आता है। अरे आजा लिख कर, एप्पल आ रहा है, एप्पल आ रहा ना, एक बाइट कटा है। ये आ गया, हेलो हाय, नमस्ते नमस्ते। दोस्तों मैं भी थोड़ा सा हाथ में देखो ले लिया, तो येलो कलर हमको पसंद है, हमने येलो लिया। बहुत लोग ब्लू पिंक लिया है, हमको येलो अच्छा लगा, कुछ अलग है। वाइट येलो समझ लो मिक्स है, और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ प्यारा कलर लग रहा है। हाँ देखो ये कि हमारे दांत भी येलो है। हाँ देखो, हाँ दांत दिखाओ, ये देखो इसके दांत में देखो, ये देखो एकदम मैच कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं येलो दांत है, तो येलो से मैच करके हमने लिया है। हाँ इसके लिए येलो मैच हो जाए, तो आप लोग को भी शायद अच्छा लगा हो कलर, बताना हमें कमेंट करके। हाँ। तो आप लोग को मैं बता दूं कितने का पड़ा मुझे आईफोन 15 256 GB। तो जैसा कि हम लोग उस दिन गए थे तो 128 तो हर जगह मिल रहा था, 256 GB नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से ढूंढते ऑनलाइन वहाँ पता चला कि ओबेरॉय मॉल में यूनिकॉर्न का मिलेगा। तो हमको पड़ा हमारा जो सैमसंग का मोबाइल था, आपको बताऊँ कितने का बिका, वो बिका हमारा सैमसंग का मोबाइल 2-3 दिन पहले थोड़ा ज़्यादा में बिक रहा था, लेकिन ये ढूंढने के चक्कर में उसका रेट थोड़ा कम मिला हमें, आज 2000 कम मिला करीब ना। तो उसका हमको पड़ा कितना, हाँ 41,800 रुपये का हमारा सैमसंग का मोबाइल बिका, मतलब 41,800 का बिका। और हमको देना पड़ा टोटल 48,100, मतलब 48,100 रुपये और देना पड़ा। तो हमारा आईफोन पड़ा 48,100 का। वैसे आईफोन का रेट है मतलब 100 रुपये का 90,000 रुपये रेट है, क्योंकि 256 GB है और 128 लोग हैं, तो समझ लो 80,000 का ही है। तो 100 रुपये का 90,000 का मोबाइल था, जिसमें से 41,800 रुपये माइनस हो गया, तो हमको 48,100 रुपया पे करना पड़ा। तो इतने का पड़ा हमारा। और इसके बाद कोई मोबाइल अगर एक्सचेंज नहीं करना है तो फिर 90,000 पूरा देना पड़ेगा, तो हमें 90,000 नहीं देना पड़ा, हमें इतना ही देना पड़ा। आईफोन फाइनली आ गया, क्योंकि हमारा सैमसंग मोबाइल भी अच्छा वाला ही था। मैं को इंक्वायरी करने दो, ये इंक्वायरी करके बिल का देखेंगे कैसा होता है। इनको यकीन नहीं आ रहा कि देख इधर लिखा है पैसा, ये देख 89,900 ठीक है, 89,900 देख। तो ये आईफोन आप लोगों के सपोर्ट और हमारी मेहनत से ही आया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। एक साल बाद फाइनली हमारे पास फिर से आईफोन आ गया, जिसे देख करके हम सब लोगों को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, और आई होप आप सब लोग भी उतने ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे। हम खुश हो रहे, मतलब आप लोग भी थोड़ा खुश, बहुत लोग हमारे चाहने वाले उनको भी खुशी हो रही होगी। बुरी नजर वाले अपनी नजरों को दूर रख, दूर रख। हाँ बुरी नजर वाले अपनी नजरों को दूर रखना, दूर रखना, और अच्छी नजर वाले हमारे लिए दुआ करना। इस वीडियो को हैंग करते हैं, आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहना, हम भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। और पापा को फिर से एक और बार थैंक यू, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।